बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू की दोस्ती एनडीए से होने पर यूपी में एक बाहुबली नेता को मिला फायदा। पूर्वांचल के इस नेता का सियासी सितारा है चमकने वाला, लोकसभा में दिख सकता है जलवा। सीएम योगी पर अखिलेश लगाते श्रेय देने का आरोप, राजभर तो उनको अपने निजी कार्यक्रम में बुलाते। जी हाँ, जब सियासत में मौसम बदलता है तो किसी को नुकसान होता है तो किसी को फायदा। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दोस्ती को उसी पाले में ले गए, तो फायदा इस बार बीजेपी को होगा या नहीं, इसका पूरा परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन यूपी के पूर्वांचल से वास्ता रखने वाले एक बाहुबली नेता की चर्चा जोर शोर से होने लगी। उस नेता को प्रेशरे देने का आरोप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाते हैं। उस नेता की तस्वीरें सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी में भी दिखी। वो है पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह। नीतीश के एनडीए में वापसी से बिहार में सियासत उफान पर है। वहीं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में नीतीश के इस कदम का कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। अभी तक जो स्थिति थी वो पूरी तरह बदल चुकी है। पहले नीतीश कुमार को फूलपुर या वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़वाने की मांग उठ रही थी। अब ताजे माहौल में नीतीश का यूपी से चुनाव मैदान में उतरने की उम्मीदें खत्म हो चली है। दूसरी तरफ नीतीश के इस कदम से पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह के भविष्य को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहे हैं, क्या बदलती परिस्थितियों में एनडीए जौनपुर से धनंजय को टिकट देगी। दरअसल धनंजय सिंह जेडीयू से काफी पुराने समय से जुड़े रहे। एक बार वो जेडीयू के टिकट पर विधायक भी बन चुके हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने बसपा का रुख कर लिया था और सांसद बने थे, लेकिन इसके बाद उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे ही गिरता गया और तमाम पार्टियों में भाग्य आजमाते हुए आखिरकार धनंजय जेडीयू में ही वापस पहुंचे। फिलहाल वो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में धनंजय लगातार जौनपुर से टिकट हासिल करने के प्रयास में हैं। नीतीश जब इंडिया गठबंधन में थे और लखनऊ दौरे पर आए थे तो धनंजय उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। यहां समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल और शिवपाल सिंह यादव भी धनंजय के साथ खड़े दिखाई दिए थे। समाजवादी पार्टी से धनंजय सिंह का रिश्ता काफी पेचीदा ही कहा जाएगा। अखिलेश यादव कई बार इस बाहुबली नेता को लेकर भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ पर हमला कर चुके हैं। बीजेपी भले ही धनंजय सिंह से खुद को दूर ही रखती हो, लेकिन पिछले कुछ सालों की घटनाओं को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर पक्षपात का आरोप भी लगाता रहा। मुन्ना बजरंगी के बागपत जेल में जान गई तो धनंजय सिंह पर आरोप लगा। हालांकि पुलिस ने जांच की तो जान लेने वाले सुनील राठी को ही आरोपित माना। धनंजय सिंह सहित 5 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। इसी तरह 2021 के जनवरी में लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में धनंजय सिंह का भी नाम आया, उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। धनंजय सिंह ने पहली बार 2002 में रारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता। इसके बाद 2007 में उन्हें जेडीयू से टिकट मिला और वो विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2008 में धनंजय जेडीयू छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें जौनपुर से टिकट दिया और पहली बार धनंजय सिंह सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन बसपा से उनके संबंध ज्यादा समय तक नहीं चले। मायावती ने 2011 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाकर बाहर कर दिया। इसके बाद धनंजय के राजनीतिक जीवन में ढलान आना शुरू हुआ। 2012 में उनके पूर्व पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ी लेकिन हार गईं। 2014 और 2017 विधानसभा चुनाव में धनंजय ने प्रयास किया लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। धनंजय की 2017 की हार में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का विशेष योगदान माना जाता है। 2022 में भी यही हुआ। धनंजय ने मलहनी से चुनाव जीतने की जीतोड़ कोशिश की, लेकिन सपा से लकी यादव से उन्हें हार ही नसीब हुई। इसके बाद से ही धनंजय 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। अब देखने वाली बात यह है कि उन्हें किसका साथ मिलता है।